आई थिंक ये एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है जिसकी शादी हो रही है और उसकी फैमिली पे, क्योंकि हमें पता है जैसे अलग अलग रिलीजन्स में हम अलग अलग चीज़ें फॉलो करते हैं, जैसे कि मुस्लिम्स नहीं लेते हैं फेरे, वो निकाह पढ़ते हैं, या फिर इस्लाम जैसे ये मुस्लिम्स में नहीं होता, क्रिश्चियनिटी में नहीं होता। तो मेरे को लगता है ये डिपेंड करता है तो किस रिलीजन से वो बिलोंग कर रहे हैं और उनकी फैमिली और वो इंडिविजुअल क्या चाहते हैं आगे आने वाले टाइम में। ना तो हमारी जनरेशन के पास इतना टाइम है और ना इतना इन्वेस्टमेंट है कि शादी पे लगाने के लिए। आई थिंक कि वही कि इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। मेरे को नहीं लगता कि इस बात से फ़र्क पड़ना चाहिए कि मतलब फेरे लिए कि नहीं। हाँ, उसमें कोर्ट मैरिज ही देखो एप्लीकेबल है, और बहुत सारे रिलीजन्स हैं जिसमें फेरे नहीं लिए जाते हैं, और बहुत सारी कास्ट भी ऐसी है जिनमें फेरों को इतनी मान्यता नहीं दी जाती है। तो अगर वो कोर्ट मैरिज कर लें तो दोनों के पेरेंट्स भी ठीक रहेंगे, फैमिलीज में भी ज़्यादा इश्यूज नहीं होंगे, और उस टाइम के लिए उनके लिए वो ठीक भी रहेगा। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। वैसे तो ये भी ठीक है, शायद फेरे भी ज़रूरी होते लेने के लिए, पर आज की नई जनरेशन बहुत से होते हैं किसी को जैसे पेरेंट्स नहीं माने, इंटरकास्ट हो गई, नहीं मानते घर वाले, अब वो क्या करेंगे अगर फिर वो अगर इन फेरों के चक्कर में रहेंगे तो फिर तो साथ रह ही नहीं पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के बेंच ने जिस तरह से बयान दिया कि आप अगर कोर्ट मैरिज करते हैं तब तक वो कोर्ट मैरिज मान्य नहीं होगी, तब तक हिंदू रीति रिवाज के साथ साथ फेरे नहीं ले लिए जाएंगे। इस पर लोगों की क्या राय है जानने की कोशिश करेंगे और वो क्या क्या इस बारे में कहना चाहते हैं, आइए बात करते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर आप कोर्ट मैरिज करते हैं आप तब तक उस कोर्ट मैरिज को मान्यता नहीं मिलेगी जब तक आप हिंदी रीति रिवाजों के साथ साथ फेरे नहीं ले लेंगे, क्या कहेंगे? आई थिंक ये एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है जिसकी शादी हो रही है और उसकी फैमिली पे, क्योंकि हमें पता है जैसे अलग अलग रिलीजन्स में हम अलग अलग चीज़ें फॉलो करते हैं, जैसे कि मुस्लिम्स नहीं लेते हैं फेरे, वो निकाह पढ़ते हैं, या फिर इस्लाम जैसे ये मुस्लिम्स में नहीं होता, क्रिश्चियनिटी में नहीं होता। तो मेरे को लगता है ये डिपेंड करता है तो किस रिलीजन से वो बिलोंग कर रहे हैं और उनकी फैमिली और वो इंडिविजुअल क्या चाहते हैं, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं शादी में कितना ज़्यादा खर्चा आता है। तो बहुत सारे जैसे मेरे जैसे लोग जो यंग जनरेशन के हैं वो कोशिश करते हैं कि वो एक बड़ा सा फंक्शन रख लें और रादर देन वो कोर्ट मैरिज के लिए जाए, रादर देन फेरे लेके बहुत बड़ी शादी करने के, क्योंकि आई थिंक कि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होता है और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी होता है आगे आने वाले टाइम में। ना तो हमारी जनरेशन के पास इतना टाइम है और ना इतना इन्वेस्टमेंट है कि शादी पे लगाने के लिए। तो आई फील लाइक इट इज़ इसीलिए कहा है कि हिंदू अधिनियम 1955 की धारा 7 में हिंदू उसमें कहा गया है कि जब तक आप अग्नि के रूप में 7 फेरे नहीं ले लेते तब तक शादी नहीं मानी जाती है। इसी उस पर कहा है कि अब अगर कोई कपल या कोई जैसे भागकर कर लेते हैं, कपल आते हैं और कोर्ट मैरिज कर लेते हैं फिर फेरे वेरे नहीं लेते हैं तो उसका प्रूफ देना पड़ेगा कि हमने 7 फेरे लिए हैं और तब तक वो मान्यता होगी, वरना तो मान्यता नहीं मानी जाएगी शादी की। तो इस पर क्या कहना है, क्या मतलब ये भी एक तरह से बर्डन हो गया, क्योंकि जब भी कपल आप देखेंगे कपल जाते हैं तो चोरी छुपे जाते हैं और कोर्ट मैरिज करके अपना मान्यता ले लेते हैं, इस पर कितना असर पड़ेगा आप यंग जनरेशन में? इसीलिए आई थिंक कि वही कि इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। मेरे को नहीं लगता कि इस बात से फ़र्क पड़ना चाहिए कि मतलब फेरे लिए कि नहीं, रादर देन कि फैमिली कंसर्न है जहाँ तक कि भाई फैमिली अग्री है, वो दो इंडिविजुअल्स एग्री हैं। तो मेरे को नहीं लगता इट्स अ बिग डील कि अगर उन्होंने नहीं लिए। हाँ, मैं मानती हूँ पर्सनली कि लेने चाहिए, बट आई डोंट थिंक वी शुड पुट अ प्रेशर और अ बर्डन ऑन ईच एंड एवरी कपल टू डू दैट। सो आई डोंट थिंक दैट इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ईच एंड एवरीबडी। आपने कहा कि जिस तरह से इस्लाम में भी निकाह पढ़ते हैं और शादी करेंगे तो मान लीजिए अगर लड़का हिंदू है या फिर लड़की हिंदू है या फिर मुस्लिम है, अगर अदर कास्ट है तो उसमें क्या मतलब ऐसा हो सकता है, क्योंकि फेरे तो नहीं लेंगे अगर एक वो है तो उसमें भी क्या कोर्ट मैरिज मान्य रखते हैं आपके हिसाब से? उसमें जो भी प्रॉब्लम तो फेस होगी ना। हाँ, उसमें कोर्ट मैरिज ही देखो एप्लीकेबल है, और बहुत सारे रिलीजन्स हैं जिसमें फेरे नहीं लिए जाते हैं, और बहुत सारी कास्ट भी ऐसी है जिनमें फेरों को इतनी मान्यता नहीं दी जाती है। तो अगर वो कोर्ट मैरिज कर लें तो दोनों के पेरेंट्स भी ठीक रहेंगे, फैमिलीज में भी ज़्यादा इश्यूज नहीं होंगे, और उस टाइम के लिए उनके लिए वो ठीक भी रहेगा। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोर्ट मैरिज बहुत है अगर कोर्ट मैरिज? एग्जैक्टली। और हम जानने की कोशिश करें आगे, इन्होंने बहुत बारीकी से बताया कि कोर्ट मैरिज करना बहुत ज़रूरी है, फिरे लेना वैसे ज़रूरी है, लेकिन अगर अदर कास्ट में देखा जाए या फिर इंटर कास्ट कोई कपल आ गए हैं तो वो कोर्ट मैरिज किस तरह से करेंगे? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिस तरह से बेंच ने बयान दिया है कि अगर कोई कोर्ट मैरिज करता है तब तक आप हिंदू अधिनियम 1955 की धारा 7 के तहत
वो मान्य नहीं रहेगी, जिस तरह से हिंदू उसमें कहा गया है कि सात फेरे जब तक नहीं लेंगे शादी मान्यता नहीं होती है। अब अगर कोर्ट मैरिज करोगे तो सात फेरे लेने ज़रूरी हैं, इस पर क्या कहना है? वैसे तो ये भी ठीक है, सात फेरे भी ज़रूरी होते लेने के लिए, पर आज की नई जनरेशन बहुत से होते हैं किसी को जैसे पेरेंट्स नहीं माने, इंटरकास्ट हो गई, नहीं मानते घर वाले, अब वो क्या करेंगे? अगर फिर वो अगर इन फेरों के चक्कर में रहेंगे तो फिर तो साथ रह ही नहीं पाएंगे। तो चीज़ है तो दोनों भी ठीक है, पर कोर्ट मैरिज भी अपनी जगह ठीक है और अपना फेरे भी अपनी जगह ठीक है। लेकिन इसमें आपने इंटरकास्ट की बात की, तो इंटरकास्ट में मान लीजिए मोमडन लड़की है या फिर लड़का मोमडन है तो उसमें निकाह होता है, उसमें वो चीज़ें हैं नहीं, ये सिर्फ हिंदू जो रीति रिवाज के साथ है, हिंदू अगर कपल्स जाते हैं तो उनके लिए कहा है कि जब तक वो शादी को मानने नहीं मानेंगे, क्योंकि कोर्ट मैरिज करने के बाद आप देखोगे कपल आप न्यू जनरेशन है तुरंत कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, फिर माँ बाप के खिलाफ जाते हैं कि हमारी शादी होगी, और बाद में फिर प्रॉब्लम आती है तो केस भी दर्ज कर देते हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आई तो वो तब तक मान्य नहीं होंगे जब तक आप प्रूफ नहीं देंगे कि हाँ हमारे अग्नि के साथ फेरे हुए थे। हाँ तो ये भी चीज़ है, पर उनको फेरे लेने चाहिए, उनको प्रूफ भी दिखाना चाहिए कि हाँ हमारी कल को शादी भी हुई है, तो इसमें ठीक है फेरे लेने भी ज़रूरी है। तो क्या लगता है मतलब इतना कितनी प्रॉब्लम फेस हो सकते हैं, आप न्यू जनरेशन है इसमें एज ए कपल, मतलब आप जाएँ जैसे अब लव मैरिज में तो अगर जब घर वालों के अगेंस्ट होती है उसमें तो प्रॉब्लम फेस तो करनी पड़ती है, अब आप चाहे फेरे लेके करो जा कोर्ट मैरिज तो प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ेगी, पर जरूरी नहीं है कि फेरे लिए जाए, अपना कोर्ट मैरिज भी कर ले इंसान, और जो इसको फेरे लेना हो फेरे भी ले। जिस तरह से हमने जानने की कोशिश करी नौजवान बच्चों से और नौजवान लड़कों लड़कियों से कि क्या अगर कोर्ट मैरिज करनी है तो सात फेरे लेने ज़रूरी हैं, जिस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, तो इस बारे में हमने चर्चा की और इस बारे में हमने जानने की कोशिश की, तो लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग राय रखी कि क्यों ज़रूरी है, वैसे फेरे लेने भी ज़रूरी हैं, कोर्ट का फैसला भी ज़रूरी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर जब खिलाफ जाते हैं लव मैरिज करते हैं तो माँ बाप से डर कर चोरी छुपे करते हैं तो फेरे लेने का टाइम नहीं होता, और आने वाली जनरेशन इतनी टाइम नहीं होगा, जिस तरह से कोर्ट मैरिज करो अपने खामा खा के फेरे वेरे का नहीं है, तो इस तरह से उन्होंने अपने जवाब दिए। देखना ये होगा कि इस पर किस तरह से कार्रवाई होती है और किस तरह से लोगों को सोचना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी तमाम ऐसी खबरें देखने के लिए बने रहें सौगन टीवी के साथ। कैमरामैन सचिन के साथ सुहेल। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।